हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिल टॉक क्लास 3, जहां पे हम मजेदार एक्टिविटीज के साथ और बहुत सारे पिक्चर्स के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 3 मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 2 फन विथ नंबर्स, और यह पार्ट 5 वीडियो जिसमें हम पेज नंबर 25 का टॉपिक हाउ मेनी आर दीज पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंटॉक क्लास 3 चैनल में। मिंटॉक क्लास 3 चैनल में आपको क्लास 3 इंग्लिश, क्लास 3 हिंदी, क्लास 3 EVS और क्लास 3 मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के वीडियोस पार्ट वाइज मिल जाएंगे। But before we start our class, here is a short introduction about me. So let us start. How many are these? हमारे पास यहाँ left side में कुछ objects दिए हैं और ऊपर तो कुछ notes दिए हैं, और इन्हीं चीजों को हमें total count करके लिखना है कि ये कितने हैं। हम इन सभी चीजों को ones, tens और hundreds में count करेंगे। सबसे पहले नोट काउंट करते हैं। 100 के हम कितने नोट यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज वन नोट एंड दिस इज द सेकेंड नोट, सो वी कैन सी टू नोट्स, हम टू लिख देते हैं। 10 रुपी के हम कितने नोट देख सकते हैं। दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर। हम 10 रुपीज के 4 नोट्स देख सकते हैं। वंस प्लेस में हम क्या लिखेंगे? क्या हम इस तरीके के कुछ लूज आइटम्स को देख सकते हैं? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं होता तब हमें जीरो लिखना होता है। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? ये टोटल 240 रुपीज है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ स्टिक्स। फर्स्ट लेट अस काउंट 100 के कितने बंडल है यहाँ पे। दिस इज बंडल नंबर 1, दिस इज बंडल नंबर 2, दिस इज बंडल नंबर 3, सो वी विल राइट 3 इन द हंड्रेड्स प्लेस। टेंस के कितने बंडल है? टेंस का सिर्फ एक बंडल है, वी विल राइट 1। वंस के कितने स्टिक्स हैं? वी हैव टू काउंट वेरी केयरफुली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देर आर 9 स्टिक्स और 9 को हम वंस प्लेस पे लिखेंगे। 319 स्टिक्स है यहाँ पे। थर्ड हमारे पास ब्लॉक्स है। हंड्रेड्स के कितने बंडल है यहाँ पे? 100 के 2 बंडल्स है, सो वी विल राइट 2 हियर इन द हंड्रेड्स प्लेस। 10 का सिर्फ 1 बंडल है, टेंस प्लेस पे हम 1 लिखेंगे, और लूज आइटम यहाँ पे सिर्फ 2 है, वंस प्लेस पे हम 2 लिखेंगे। सो हियर आर टोटल 212 ब्लॉक्स। नेक्स्ट वी विल काउंट द बीड्स। सबसे स्टार्टिंग में जो ब्लू कलर के बीड्स है उन्हें काउंट करेंगे, और जितने भी ब्लू कलर के बीड्स सबसे स्टार्टिंग में होंगे उतने ही बीड्स बाकी के नंबर्स में भी होंगे, तो हम स्टेप काउंटिंग में सभी को ऐड कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो ब्लू बीड्स टोटल 10 है। ऑरेंज बीड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऑरेंज बीड्स भी यहाँ पे 10 है। तो एक एक कलर के 10-10 बीड्स यहाँ पे लगा रखा है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इस माला में टोटल 100 बीड्स है, 1 लिखेंगे क्योंकि सिर्फ एक 100 ही तो है हमारे पास। टेंस अभी कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे एक 10 है, यहाँ पे एक 10 है और यहाँ पे एक 10 है। टोटल 3 टेंस है हमारे पास, तो टेंस के प्लेस पे हम 3 लिखेंगे। लूज बीड्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वंस प्लेस पे हम 8 लिखेंगे। सो वी हैव टोटल 138 बीड्स विथ अस। लास्ट में है फिर से वही नोट्स, एक एक करके हम नोट्स काउंट करते हैं। 100 के नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 एंड नोट नंबर 3। टोटल 3 नोट्स है हमारे पास, 3 इन द हंड्रेड्स प्लेस। 10 के हमारे पास 2 नोट्स हैं, तो टेंस प्लेस पे हम 2 लिखेंगे। लूज कॉइन्स तो कुछ भी नहीं है, इसलिए वंस प्लेस पे 0 लिखेंगे। सो वी हैव 320 रुपीज हियर। नेक्स्ट लेट अस गो टू पेज नंबर 26। एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है हमारे पास। यहाँ पे चंदा मामा है और चंदा मामा बोल रहे हैं, आई हैव मेनी फ्रेंड्स विच ट्विंकल इन द स्काई एंड यू आर राइट, माई फ्रेंड्स आर स्टार्स। एक दिन चंदा मामा के घर सभी स्टार्स आए और चंदा मामा ने उन सबको काउंट करना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि कितने फ्रेंड्स आए हैं। लेकिन चंदा मामा के तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे, देयर वर टू मेनी। इसीलिए चंदा मामा ने काउंट करने के लिए क्या किया, उन्होंने एक ट्रिक लगाई। चंदा मामा के पास इस तरीके के कार्ड्स अवेलेबल थे, तो चंदा मामा ने क्या किया, जैसे ही वो एक
स्टार को काउंट करते वो अपने पास वन नंबर का एक ट्रायंगल पॉकेट में रख लेते। सो वन कार्ड फॉर वन स्टार। वैसे ही टू स्टार्स को काउंट करते ही वो टू कार्ड्स को अपने पॉकेट में रखते। नाउ टेल मी हाउ मेनी स्टार्स आर देयर। 1, 2, 3, 4, 5। चंदा मामा ने टोटल 5 स्टार्स काउंट किए हैं। उसके बाद जब काउंट करते करते 6, 7, 8, 9, 10 तक वो पहुंच गए, तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने 10 कार्ड्स के बदले एक येलो कलर का 10 लिखा हुआ कार्ड अपने पॉकेट में रखा। दैट मीन्स दिस वन येलो कलर कार्ड काउंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन चंदा मामा के फ्रेंड्स तो बढ़ते ही जा रहे थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब उनके पास 10 ऐसे कार्ड्स बन गए, तब उन्होंने इसको 100 के साथ रिप्लेस कर दिया। यानी कि 10 टेंस की जगह पे उन्होंने 100 का कार्ड रख लिया। नाउ इन पेज नंबर 27 हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। अगर चंदा मामा ने टोटल इतने नंबर के स्टार्स काउंट किए हैं तो उनके पॉकेट में कितने कार्ड्स होंगे, किस तरीके के कार्ड्स होंगे, उन कार्ड्स को हमें ड्रॉ करना है। एक एग्जांपल दिया हुआ है 1, 9, 19। 19 में हंड्रेड्स के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, टेंस के प्लेस पे 1 है, वंस के प्लेस पे 9 है। इसीलिए टेंस का क्योंकि 1 कार्ड है, यहाँ पे 1 येलो कलर का कार्ड बनाया गया है, और वंस के प्लेस पे क्योंकि 9 है, यहाँ पे टोटल 9 ब्लू कलर के 1 नंबर के कार्ड्स बने हैं। सिमिलरली हमें 21 का भी कार्ड बनाना है। 21 में हंड्रेड्स के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, टेंस के प्लेस में 2 है एंड वंस के प्लेस में 1 है। दैट इज वाई हम टेंस के 2 कार्ड्स बनाएंगे एंड वंस का सिर्फ 1 कार्ड बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर इज 95। हंड्रेड्स के प्लेस पे कोई नंबर नहीं है, टेंस के प्लेस पे नंबर 9 है, वंस के प्लेस पे नंबर 5 है। 10 का हम 9 कार्ड्स बनाएंगे और 1 का 5 कार्ड्स बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर इज 201। हंड्रेड्स के प्लेस पे नंबर 2 है, टेंस के प्लेस पे 0, वंस के प्लेस पे नंबर 1। दैट इज वाई यहाँ पे 2 हंड्रेड के नंबर्स बनाए हैं, 100 का कार्ड बनाया है। टेंस के प्लेस पे तो 0 था, इसीलिए 10 का कोई भी कार्ड नहीं है, वंस प्लेस पे 1 है, इसीलिए 1 नंबर का एक कार्ड। नेक्स्ट नंबर 260। हंड्रेड्स के प्लेस पे 2 है, टेंस के प्लेस पे 6 है, वंस के प्लेस पे 0। हंड्रेड्स का सिर्फ 2 हम कार्ड्स बनाएंगे, टेंस का 6 कार्ड्स बनाएंगे और वंस का कोई भी कार्ड नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर इज 300। हंड्रेड्स के प्लेस पे नंबर 3 है, टेंस के प्लेस पे 0, वंस के प्लेस पे 0। सो दैट इज वाई हंड्रेड्स के हम 3 कार्ड्स ऐसे बनाएंगे और बाकी कोई भी कार्ड नहीं बनाएंगे क्योंकि वो 0-0 है। नेक्स्ट नंबर 306। हंड्रेड्स के प्लेस पे 3 है, टेंस के प्लेस पे 0, वंस के प्लेस में 6। हंड्रेड्स के 3 कार्ड्स बनाए हैं, टेंस का कुछ भी नहीं बनाया है, वंस का 6 कार्ड बनाया है। नेक्स्ट नंबर 344। हंड्रेड्स के प्लेस पे 3, टेंस के प्लेस पे 4, वंस के प्लेस में भी 4। हंड्रेड्स के 3 कार्ड्स बनाए हैं, टेंस के 4 कार्ड्स बनाया है और वंस का 4 कार्ड्स बनाया है। नेक्स्ट नंबर 350। हंड्रेड्स के प्लेस पे 3, टेंस के प्लेस पे 5, वंस के प्लेस पे 0। हंड्रेड्स का 3 कार्ड्स बनाया है, टेंस का 5 कार्ड्स बनाया है। नेक्स्ट नंबर 400। हंड्रेड्स के प्लेस पे नंबर 4 है, टेंस के प्लेस पे 0, वंस के प्लेस पे भी 0। सो दैट इज वाई हंड्रेड्स के 4 कार्ड्स हम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आगे हम पेज नंबर 28 में जाएंगे और यहाँ पे देखा है कि कार्ड्स बनाए हुए हैं, हमें नंबर्स लिखना है। अभी तक हमने हंड्रेड्स, टेंस, वंस ऐसे कॉलम बना के बहुत सारे नंबर्स लिख लिए। इन सभी कार्ड्स को हम थोड़ा डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल में 10 के 2 कार्ड्स थे तो हमने 2 कार्ड्स लिख लिए। वंस का कोई भी कार्ड नहीं है इसलिए हमने 0 लिखा। 100 का भी कोई कार्ड नहीं है तो उसमें तो कुछ भी नहीं लिखना। नेक्स्ट हम ये वाला करते हैं। सबसे पहले आप हंड्रेड्स के कार्ड्स देखेंगे। 100 का यहाँ पे सिर्फ 1 कार्ड है, वी विल राइट 1। टेंस का 1, 2, 3 कार्ड है, वी विल राइट 3। वंस का कोई भी कार्ड नहीं है, वी विल राइट 0। नाउ लेट अस सी दिस वन। यहाँ पे हंड्रेड्स का भी कोई कार्ड नहीं है, हम कुछ नहीं लिखेंगे। 10 का 2 कार्ड्स है, वी विल राइट 2। 1 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्ड्स है, वी विल राइट 6। लेट अस सी द नेक्स्ट वन।
हंड्रेड्स के 1, 2, 3 कार्ड्स है, वी विल राइट 3. टेंस का सिर्फ एक कार्ड है, वी विल राइट 1. वंस का कुछ भी नहीं है, वी विल राइट 0. काउंट दिस वन, हंड्रेड्स का 1, 2, 3, 4 कार्ड्स है, वी विल राइट 4. टेंस का कोई कार्ड नहीं है, वी विल राइट 0. वंस का भी कोई कार्ड नहीं है, वी विल राइट 0. लेट अस काउंट दिस वन, हंड्रेड का 1, 2, 3 कार्ड्स है, वी विल राइट 3. टेंस का सिर्फ 1 कार्ड है, वी विल राइट 1. वन का 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्ड्स है, वी विल राइट 6. नीचे वाला काउंट करते हैं, हंड्रेड्स का 1, 2, 3, 4 कार्ड्स है, वी विल राइट 4. टेंस का 1, 2, 3 कार्ड्स है, वी विल राइट 3. वंस का सिर्फ एक कार्ड है, वी विल राइट 1. लेट अस काउंट दिस वन, हंड्रेड का 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्ड्स है, वी विल राइट 6. टेंस का कोई कार्ड नहीं है, वी विल राइट 0. वंस का 1, 2, 3 कार्ड्स है, वी विल राइट 3. काउंट द हंड्रेड नंबर कार्ड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 हंड्रेड्स मिला के कितने बनते हैं? 10 हंड्रेड मिला के 1000 बनता है. मान लीजिए आप इस तरह के कॉलम बना के उसमें लिखना चाहते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? ये है 10 हंड्रेड्स, लेकिन एक प्लेस पे तो हम दो दो डिजिट नहीं डाल सकते. इस वन को तो हमें लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते ही वो बन जाता है थाउजेंड्स प्लेस. नाउ यू कैन रीड अ बिगर नंबर, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. इसके ऊपर आप अपने आने वाले चैप्टर में और ज्यादा पढ़ेंगे. वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को मिस ना करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल मिंट टॉक क्लास 3 फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़.